नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर हरियाणा से है, जहां मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सोमवार को 11वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी उपायुक्त, जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग से संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर स्वीप सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के तहत प्रचार सामग्री का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने सभी नागरिकों को लिंग वर्ग भेद के बिना मतदान का अधिकार दिया है। बहुत से देशों में महिलाएं और हमारे देश में लोकतंत्र की सुदृढ़ व्यवस्था देखकर मतदान का अधिकार मिला। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, मताधिकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम द्वारा हुए चुनावों की सफलता को देखते हुए अन्य देशों द्वारा चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग देने के लिए बुलवाया गया। उन्होंने मतदान सूची में जुड़े नए युवाओं से आह्वान किया कि उन्हें वोट का अधिकार मिलने के साथ साथ उन पर देश के प्रति जिम्मेवारी भी बड़ी है, इसलिए उन्हें बिना किसी भेदभाव एवं लालच के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मतदान प्रक्रिया समावेशी एवं भयमुक्त हो सके। उन्होंने मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में करवाई गई राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के महाविद्यालय वर्ग में गुरुग्राम की चंद्रकांता प्रथम, कैथल की संजना और आदमपुर के संजय द्वितीय और कालका से सुदेश तृतीय रहे। इसी प्रकार स्कूल वर्ग में अंबाला शहर के तरुण कुमार प्रथम, जिंद के आदित्य और पलवल की अलका द्वितीय एवं फतेहाबाद की अंजलि तृतीय रही। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने मतदाता सूची से जुड़े नए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मतदाता कार्ड भी दिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।